हाय फ्रेंड्स, सुप्रिया वर्मा है। सो आज का जो मेरा रीज़न है वीडियो को बनाने का, दैट इज़ द डिप्रेशन। मतलब ये डिप्रेशन क्यों होता है, डिप्रेशन है क्या, पता कैसे चलेगा कि आपको ये डिप्रेशन हुआ है, और अगर हो गया है तो उससे बाहर कैसे आना है। क्योंकि आज के टाइम में क्या होता है कि जो यूथ है वो डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा ना डिप्रेशन की वजह से स्ट्रेस में रहना शुरू हो गई है। सो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिप्रेशन है भी या नहीं, लेकिन ये डिप्रेशन होता कैसे है, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं रिलेशनशिप ब्रेक, जिसकी वजह से डिप्रेशन कई बार हो जाता है, जॉब लॉस, उसकी वजह से भी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है इंसान, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि पोस्ट प्रेगनेंसी, उसके बाद प्रेगनेंसी के बाद भी कई बार ऐसे लगने लग जाता है कि जो बेबी है वो मेरा बेबी नहीं है, एक माँ को ऐसा फील होता है। सो ये भी दिस इज़ लाइक एज अ डिप्रेशन। और आप ये भी कह सकते हैं कि अगर अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज़ ऑल अकॉर्डिंग टू मी, कि अगर किसी 10-15 साल के बच्चे की पेरेंट की डेथ हो जाए तब भी वो डिप्रेशन में जा सकता है। सो ऐसे बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से डिप्रेशन हो जाता है। सो आपको पता कैसे चलेगा कि डिप्रेशन हुआ है, ये मेन मोटिव कह सकते हो। कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिप्रेशन हुआ भी है या नहीं हुआ है। डिप्रेशन में क्या होता है कि आपको आपकी ना फेवरेट वाली चीज़ भी ना आपको फेवरेट नहीं लगेगी, मज़ा नहीं आएगा उसमें। अगर आप कहते हो कि आपका फेवरेट गाना है तो वो बजा दिया जाए, लेकिन आपको मज़ा ही नहीं आएगा। और अगर आपको शॉपिंग करने में बहुत मज़ा आता है, और अगर आपको बोला जाए कि शॉपिंग करने जाना है तो भी आपको कोई आसान नहीं होगा। ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड रहना, इरिटेट रहना, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा सोना या कम सोना, या फिर किसी की बात का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना, और ऐसा लगना कि अगर घर पे शादी भी है ना, सपोज शादी वाला माहौल है, तो अब भी आपको ऐसा लगेगा कि कि यार ये सारे पागल हो गए हैं, मतलब क्यों, मुझे कोई खुशी नहीं है शादी की, मेरे साथ ऐसा हो गया है, जो भी रीज़न है। ठीक है, तो इन सब रीजन से आप, मतलब जब ये सब हो तब आपको पता लग जाएगा कि दिस इज अ डिप्रेशन। सो लेकिन अगर ये हो गया है तब उससे बाहर कैसे आना है, दिस इज अ मेन पॉइंट। सबसे पहले तो अपने फ्रेंड से बात करो, ठीक है, जो आपके बहुत ज़्यादा करीब हो, चाहे आपकी मॉम है, डैड है, चाहे आपकी ब्रदर सिस्टर है, चाहे आपका दोस्त है कोई भी, आप उनसे बात करो। जब तक अंदर का जो मैटर है आपके दिल में है वो निकालोगे नहीं, तब तक वो डिप्रेशन नहीं जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहले तो ये करो, अगर ये नहीं पॉसिबल होता तो विजिट टू डॉक्टर के पास जाओ, ठीक है। और अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो सबसे पहले तो दो तीन चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है, और किस भ्रम में आप फंसे हुए हो। सो उसके बीच का जो डिफरेंस है ना, उसको समझने की पूरी कोशिश करो, तो आई थिंक कि आप डिप्रेशन से बाहर निकल जाओगे। सिर्फ आपको करना क्या है, एक एग्जांपल बताती हूँ। रियलिटी में जीना है, रियलिटी में कैसे जी पाओगे, सबसे पहले तो आपको इल्यूजन से बाहर आना पड़ेगा। उससे बाहर आने के लिए आपको दोनों में से डिफरेंस, जो दोनों का डिफरेंस है उसको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। सो इल्यूजन क्या है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बर्बाद हो गया हूँ, मेरी खुशियाँ ख़त्म हो गई है, ये किसी की डेथ हो गई है, या डाइवोर्स होने के बाद मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया है। सो ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे जो थॉट्स आ रहे हैं ना, उसको बोलो कि वो चला क्या है, वो खत्म हो गया है। लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी में जीना है, रियलिटी में जीना है। अकाउंट में तो पैसे पड़े हुए हैं ना, जीना तो है ना, मेहनत तो कर सकते हो ना। अगर रिलेशनशिप ब्रेक भी हो गया तो कोई बात नहीं, रिलेशनशिप बनाने की कोशिश तो करो ना। सो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, डिफरेंस को समझना है रियलिटी और इल्यूजन में से। अगर आपने रियलिटी और इल्यूजन में से डिफरेंस को समझ लिया, तो आई थिंक डिप्रेशन आपको कभी नहीं होगा, और अगर हो गया है तो आप उससे बाहर निकल जाओगे। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हुआ या आपको कुछ नहीं पसंद आया तो आप कमेंट करके बता सकते हो मुझे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो मैं उसको ध्यान में रखकर वो वीडियो बनाऊं। और अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, डिप्रेशन हुआ है, या फिर आपने किसी को बचाया है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू, बाय बाय।